हर हर महादेव। स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग परम पूज्य माँ बाबा गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे। ये मेरे छोटे वाले भाई संदीप देखो कहाँ घूम रहे हैं, तो ये घूम रहे हैं खेत में। जब ये गांव आते हैं ना तो इनका तो मौज होता है, इनको गांव इतना पसंद है। जब देखो तब इस खेत में उस खेत में, दीदी ये तोड़ के लाओ, दीदी वो तोड़ के लाओ, मतलब इनको खेत में ही आप देखोगे और कुछ ना कुछ तोड़ते फिरते आपको मिलते हैं। तो हमारा कड़ी पत्ता खत्म हो चुका था, तो ये क्या है कि खेत में घूमते रहते हैं, तो इनको कहाँ पे कौन सा पौधा है ना इनको सब पता रहता है। तो ये कहीं घूमने गए थे तो इनको कड़ी पत्ता का एक छोटा सा पौधा दिख गया, तो खेत में से ही कड़ी पत्ता का पत्ता तोड़ के लेके आए। बाकी यहाँ पे कड़ी पत्ता मिलता है नहीं, बड़ी मुश्किल से। हम लोग जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो रास्ते में एक जगह कड़ी पत्ता का हमें काफ़ी विशाल झाड़ दिखा है, पेड़ दिखा है, वहाँ से हम लोग तोड़ के लाते हैं और रख लेते तो हफ्ते भर जितना चलता है। तो इनको तो भाई हमारे घर के पीछे ही इनको उसका पौधा दिख गया है, कह रहे थे कि दिल थोड़ा बड़ा भी हो गया है, तो वो पत्ता तोड़ के लाए हैं। और आज हमारा है व्रत, और हम तो व्रत करते हैं हर महीने, हमारा व्रत चार पांच व्रत हमारा हो ही जाता है, लेकिन इनका ये साल में एक मुश्किल से व्रत करते होंगे ऐसा कुछ है। तो जब से मेरे पास आए हैं ना तो इनका भी व्रत शुरू हो चुका है, डेढ़ महीने से है, और डेढ़ महीने में दो चार व्रत तो इनका हो ही गया है। तो पहली बार जब व्रत कराई थी ना तो पूरे दिन दीदी भूख लगी, दीदी ये खाना है वो खाना है, दीदी मतलब पूरे दिन इनको खाने का था लेकिन मैं खिलाई नहीं। मैं बोली आज जैसे तैसे इनको भूखा, इनकी आदत होनी चाहिए व्रत करने की, तो मैं जिद करके रखवा दी व्रत। लेकिन दूसरी बार जब व्रत रखवाई तो ये खुद एकदम व्रत का जो भी आइटम बना सकते हैं उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। देख रहे हो इनको अब आलू चिप्स खाना है, तो इन्होंने आलू को एकदम चिप्स की तरह इन्होंने काटा है, उसके अंदर इन्होंने हरा मर्चा, हरी धनिया, सेंधा नमक डाल के एकदम बढ़िया एकदम उनको फ्राई कर रहे हैं देसी शुद्ध देसी घी में, और अब खाएंगे ये आलू चिप्स। और साथ में हमारे लिए भी बना रहे हैं, और मैं थोड़ा सा लौकी इस समय के मौसम में सीज़न में लौकी सस्ती हुई है तो मैंने कुछ ढेर सारी लौकी खरीद ली है, तो मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी और हम तीनों लौकी की सब्जी खाएंगे। वैसे खाना चाहिए कुट्टू के आटे के संग, मतलब कुट्टू का आटा की रोटी बना के, लेकिन अभी कुट्टू का आटा जो है ना वो ख़त्म हो चुका है तो सिर्फ लौकी ही खाएंगे। थोड़ा तीखा लगता है ना जब व्रत हम करते हैं, तो उस समय कुछ नमकीन टाइप खाने का मन करता है, कुछ तीखा तीखा। हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव बाबा कहते हैं परिवार से बड़ा हितैषी कोई भी नहीं है। माँ बाबा की कृपा से हम तीन बहन तीन भाई हैं, हम छह लोग हैं, और दरबार से जुड़ने के बाद इतना प्रेम बना है हम छह भाई बहनों में कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, इतना प्रेम है। बस मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, लेकिन ये मेरे जो पांच भाई बहन है ना, ये लोग मुझे माँ की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब दीदी दीदी दीदी, इनका दुख इनका सुख सब इनकी दीदी से जुड़ा है। और मैं भी, ये लोग मेरे भाई बहन हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे बच्चे ही हैं, मेरे अंदर भाव भी ऐसे निकलते हैं। तो बाबा माता कृपा से सबका बुद्धि बाबा ने बहुत अच्छा किया है, बाबा ने सबके अंदर दया माया करुणा डाला, इतना प्रेम डाला है, और सब बड़े अच्छे हैं, सब मेहनती हैं। और बचपन से हमने पापा को बहुत हार्डवर्क करते देखा है, पापा अभी बहुत मेहनत करते हैं। हम सभी छह भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना, शहर में रहना पढ़ाना लिखाना ये सब खिलाना, मतलब एक गृहस्थ जीवन चलाना बहुत हार्ड होता है। मैं समझ सकती हूँ शादी के बाद जो मेरे ऊपर बीती है, जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। सोचिए पापा जब अब अलग शहर गए होंगे तो उनको कितनी दिक्कत आई होगी। मेरे संग तो माँ बाबा थे, मेरे संग तो गुरुदेव थे, कि जब भी कोई प्रॉब्लम मुझे अगर खड़ी होती तो गुरुदेव का मैं हाथ पकड़ लेती, गुरुदेव से मैं हाथ फैला लेती, मांग लेती कुछ। मेरे पापा के संग तो कोई भी नहीं था, मेरे पापा कैसे खड़े होंगे, तब तो उनके ऊपर गुरु की छत्र छाया भी नहीं थी, मेरे पापा पता नहीं कैसे खड़े हुए होंगे। तो पापा ने बहुत मेहनत की है, और उन्हीं को देख के हम छह भाई बहन ना अंदर ही, मतलब इंटरनली है कि हम लोग मेहनती बहुत हैं, हमने बचपन से बहुत मेहनत किया, यहाँ तक कि समझ जाना खुद कमा कमा के हमने पढ़ाई की है। आज ये मेरे भाई संदीप को देख रहे हो, इनका TY BCom चल रहा है, और ये अपना खर्चा ना खुद निकालते हैं और खुद से पढ़ाई करते हैं, और पापा का पूरा सपोर्ट, पढ़ाई करके आते हैं कॉलेज से ये 12 बजे तक आ जाते हैं, उसके बाद पापा का सपोर्ट पूरे दिन करना। तो इनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि 3 साल से
मैं अपनी दीदी के हाथों का राखी नहीं बनवा पा रहा हूँ। दो बहन तो हर साल आके राखी बांध देती हैं, लेकिन मेरी दीदी के हाथों से राखी नहीं बनवा रहा। इस साल की राखी मैं अपने दीदी के हाथों से बनवाऊंगा। तो ये रक्षाबंधन मनाने मेरे पास चले आए। पिछले 1.5 महीने से मेरे संग हैं और मुझे बहुत खुशी हुई इस बार अपने भाई को राखी बांध के। बाबा मेरे माँ बाबा मेरे भाई को स्वस्थ रखें, दीर्घायु दें, अच्छी बुद्धि दें, अच्छे विचार दें, सबका ये हित सोचें, एक अच्छे इंसान बने, माँ बाप की सेवा करें, अपने जो गुरु हैं, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पूजनीय हैं, सबकी सबका आदर करें, सम्मान करें, प्रेम करें। यही मैं माँ बाबा से मांगती रहती हूँ, एक अच्छे इंसान बने। और मेरे जो भाई बहन हैं इनको मैं हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ कि बेटा ऐसे रहा करो, वैसे रहा करो। और मेरे भाई लोग ऐसे हैं कि ये मानते भी हैं कि दीदी कह रही है तो इसमें हमारा कुछ भला ही है, ये सोच के थोड़ा इनको मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे मानते बहुत हैं। परिवार से मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे एक भी कोई बात बोलती हूँ ना, तुरंत मेरे घर वाले मानते हैं। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में होता है, आनाकानी होती है, लेकिन उनको पता है कि माई कुछ कह रही है तो ऐसे ही नहीं कह रही है, ज़रूर ये इसके अंदर हमारा ही उद्धार होना है। इसीलिए मेरी बातों को प्रायोरिटी देते हैं मेरे घर वाले। और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मुझे घर की बेटी ने मेरे पापा बचपन से बेटा बना के रखे हैं, क्योंकि हम तीन बहन हैं। स्टार्टिंग में हमारा जन्म हुआ तो होता है ना, इससे माँ बाप का दुख होता है कि तीन तीन बेटियाँ, लेकिन माँ बाबा की कृपा से तीन भाई भी हुए तीन बहनों के बाद। फिर स्ट्रगल बहुत रहा मेरे पापा के जीवन में, लेकिन पापा के जो इतने सारे बच्चे हैं, हम तीन भाई तीन बहन, 6 बच्चे जो मेरे पापा के हैं ना, तो हम लोग ना पापा का इस समय से मतलब को टेंशन ही नहीं। स्टार्टिंग में था बहुत दिक्कत, लेकिन जैसे हम लोग बड़े होने लगे ना, मेरे पापा का सारा समस्या ही खत्म हो गया, क्योंकि पता है माँ बाबा गुरुदेव मिल गए। जैसे हम बड़े हुए और हम जैसे बड़े होते गए ना, घर में समस्याएं भी उतनी ही बड़ी होती गई। और समस्या तो भाई पूछो ना, क्या बताएं, बड़े कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन माँ बाबा गुरुदेव मिल गए, जीवन बहुत सुगम, बहुत शांति और इतने आनंद में हमारा जीवन कट रहा है। हम इतने अच्छे से इस जीवन को आनंद ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। तो ये सब हो पाया है माँ बाबा गुरुदेव की कृपा से। और अभी भी जीवन में संघर्ष तो है, लेकिन ना जो क्षमता है बाबा ने उसको इतना बढ़ा दी कि ये सब चीज़ें ना पता ही नहीं चलती। आनंद है, मतलब हार्ड वर्क में भी ना आनंद है। माँ बाबा का चेहरा जब देख लेते हैं, गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो मानो कि फूल से हम खिल जाते हैं। इतना सुंदर हमारा पल हो जाता है, हमारा जीवन महक उठता है जब गुरु जी मुस्कुराते हैं। तो सोचो, मतलब एक प्रेम नहीं होते क्या है, बस गुरुदेव का एक मुस्कान देख के हमारे जीवन में खुशियां भर जाती हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत सुखी है। तो ये स्पेशली वीडियो मैंने देखो शूट इसीलिए किया है ना कि मेरे भाई हैं, इनके साथ बिताए हर क्षणों को मैं कवर करना चाहती हूँ, लेकिन इतना व्यस्तता है कि मैं कवर कर नहीं पाती। इसीलिए ये मैं एक्सटेंड लगा के ये वीडियो मैंने शूट किया है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है सारे वीडियो को। है बहुत लंबा वीडियो, कम से कम ये 1 घंटे का वीडियो था, लेकिन मैंने इसे 10 मिनट का किया है फास्ट फॉरवर्ड करके। आप देख सकते हो अब कुछ हमने फ्रूट भी लेके आए हैं, तो वो भी फ्रूट है और चिप्स बन गया है और लौकी की सब्जी, 3 चीज़ हम लोग खाने वाले हैं व्रत में। और मेरे जो भाई हैं ना, इनका तो भाई आप लोग पूछो ना ही, इनको खाना है चटपटल चीज़, और मेरे संग रहते हैं तो इनको व्रत करना पड़ता है। मैं डांट डांट के करवाती रहती हूँ। मेरे संग जो रहेगा ना, वो धीरे धीरे मेरे जैसा बन जाएगा। स्टार्टिंग में सामने वाले को दिक्कत होती है, लेकिन वो मेरी तरफ बन ही जाता है। और ये लोग तो मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अच्छा बनाने के लिए तो भाई कुछ भी कर सकती हूँ। परिवार बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। अपने परिवार का कद्र कीजिए, सम्मान करिए, उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। परिवार है तो सब कुछ है। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मुझे उम्मीद है कि वो स्टोरी आप लोग को ना बहुत ज़्यादा ही एक इंस्पिरेशन बनेगी, आप लोग सीखोगे। मतलब बाबा ने मुझे बहुत दिया है, वो स्टोरी मैं याद करती हूँ तो मेरे आँख से आंसू छलकते। मतलब जीवन में इतना संघर्ष रहा है कि अगर मैं एक स्टोरी बनाकर बताने लगूँ ना, तो आप लोग मतलब सुनते रह जाएंगे और कुछ ना कुछ से प्रेरणा आप लोग ज़रूर लेंगे। तो देखो ये वीडियो थोड़ा हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है,
तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ना प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाबा माँ मुझे वीडियो में ना बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन जीवन देखो एक जैसा नहीं रहता, बदलते रहता है। पहले छोटी थी, बड़ी हुई, माँ बाबा का छत्र, माता पिता के छत्र छाया में बड़े हुए, पले खुश रहे, लेकिन अब जीवन में यही नहीं है ना, बहुत आगे बढ़ना पड़ता है। तो शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बचपन में संघर्ष था लेकिन